कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 4 दर्जन वैक्सीन पर ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ब्रिटेन और रूस इस हफ्ते से अपने यहां टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उनकी मेडिकल अथॉरिटी ने परमिशन भी दे दी है। इसी के साथ भारत में भी लोगों के जहन में सवाल उठने लगा है कि यहाँ वैक्सीन कब तक मिलेगी, कौन सी वैक्सीन तैयार है, किसे वैक्सीन मिलेगी और कितनी होगी कीमत। पीएम मोदी ने इस वीकेंड पर वैक्सीन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और वैक्सीन लैब्स के अपने दौरे का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर सफलता से अब भारत कुछ ही हफ्ते दूर है। उन्होंने बताया कि 8 वैक्सीन पर भारत में काम हो रहा है। इस बीच अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन और बेहतरीन में पहले ही मंजूरी मिल गई है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की ओर से आ रही महंगी वैक्सीन और बुकिंग की रेस को देखते हुए दुनिया के गरीब देशों को भी भारत से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें ज्यादा मात्रा में और कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भारत अब तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा 1.6 बिलियन यानी 60 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे चुका है। हम आपको बताते हैं कि भारत को किन 8 वैक्सीन से उम्मीद है और वो अभी कौन सी स्टेज में है और कहां बन रही है। नंबर 1, कोविशील्ड। भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन से है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसे विकसित कर रहा है। ऑक्सफोर्ड ने इसे ट्रायल में प्रभावी बताया। ऑक्सफोर्ड के अनुसार वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया गया है उनमें संयुक्त रूप से 70% कामयाबी मिली है। अगर अलग अलग डोज की बात की जाए तो पहली डोज की सफलता 90% और दूसरी डोज की सफलता 62% का रिकॉर्ड रहा है। इसके ट्रायल में डोज को लेकर कुछ सवाल भी उठे, लेकिन फिर से ट्रायल होना जारी है। जनवरी में इसके नतीजे भी आ जाएंगे। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन की डोज तैयार कर रहे हैं। इसकी कीमत भारत में हर डोज की 500 से 600 रुपए तक हो सकती है। भारत के अलावा ब्रिटेन समेत कई देशों और गरीब देशों को भी सस्ती कीमत पर इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने का प्लान है। नंबर 2, कोवैक्सीन। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर तैयार हो रहे स्वदेशी कोवैक्सीन पर भी काफी दारोमदार है। इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में है और इस फेज में 26,000 लोगों पर परीक्षण हो रहा है। ट्रायल के दौरान इसमें करीब 60% से ज्यादा सफलता दर्ज की गई है। कंपनी की ओर से इस वैक्सीन की करीब 500 मिलियन डोज बनाने की तैयारी की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इसे स्टोर करने के लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सामान्य फ्रिज में 2 से 8 डिग्री तापमान में भी रखा जा सकता है। भारत के ग्रामीण इलाकों और तीसरी दुनिया के देशों में भी इसे काफी कारगर माना जा रहा है। नंबर 3, जायकोव डी। अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की लैब में तैयार जायकोव डी वैक्सीन भारत की ऐसी तीसरी वैक्सीन है जिसे तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। जायडस कैडिला ने 2 चरणों का ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। उसके नतीजों के आधार पर वैक्सीन को प्रभावी बताया गया है। कंपनी के अनुसार लोगों को इस वैक्सीन की एक ही खुराक दी जाएगी। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल के अनुसार अभी लक्ष्य मार्च 2021 तक वैक्सीन का ट्रायल पूरा करने का है। इसके बाद उनकी कंपनी 1 साल में 100 मिलियन खुराक का ज्यादा उत्पादन कर पाएगी। ये एक DNA वैक्सीन है और इंसानों के साथ साथ कई अन्य जीवों पर भी इसका ट्रायल हो रहा है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड होने के कारण इस वैक्सीन की कीमत भी कम होने का अनुमान है। नंबर 4, स्पुतनिक वी वैक्सीन। रूस की स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल जारी है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान ये 91.4% प्रभावी पाई गई। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। भारत ने इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बुक की है। भारत में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इसका ट्रायल कर रही है। इस वैक्सीन को 18 डिग्री तक के तापमान में स्टोर किया जा सकता है। नंबर 5, फाइजर की BNT162b2 वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की वैक्सीन ने पिछले हफ्ते तक तहलका मचा दिया जब ब्रिटेन में इसे मास लेवल पर टीकाकरण की अनुमति मिल गई। इस हफ्ते से ब्रिटेन में इस वैक्सीन की टीकाकरण शुरू हो जाएगी। बेल्जियम में तैयार होकर ये वैक्सीन ब्रिटेन पहुंच रही है। RNA बेस्ड इस वैक्सीन के ट्रायल में 95% तक इसे प्रभावी पाया गया है।
फाइजर ने भारत में अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन और बेहतरीन में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का तापमान चाहिए होगा, जो कि भारत और अन्य देशों के लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। इसी कारण भारत में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की कीमत बातचीत अभी प्रोसेस में है। नंबर 6, मॉडर्ना की mRNA-1273 वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन भी भारत के लिए बड़ी उम्मीद है। इस वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है। मॉडर्ना और NIAID का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने 94.5% तक सफलता साबित की है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री का तापमान चाहिए। हालांकि ये वैक्सीन महंगी हो सकती है, $25 से $37 तक। इस वैक्सीन से तैयार इम्यूनिटी का शरीर पर 3 से 4 महीने तक असर बना रह सकता है। कोरोना वैक्सीन को सस्ते में दुनिया भर में मुहैया कराने के लिए शुरू WHO की कोवैक्स परियोजना के तहत ये वैक्सीन भारत आ सकती है। नंबर 7, बायोलॉजिकल ई की AD26COV2S वैक्सीन। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है। इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल हो रहा है। फेज 1 में डोज को लेकर और फेज 2 में इसके प्रभाव को लेकर क्लिनिकल ट्रायल जारी है। नंबर 8, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की वैक्सीन। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा तैयार की जा रही RNA बेस्ड वैक्सीन से भी भारत को काफी उम्मीदें हैं। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोर किया जा सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।